हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारूक मोगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सभी की जो हमारी वीडियो, ये एक मूवी के टीजर की रिएक्शन वीडियो है और मूवी का नेम है लोड वेडिंग। पहले हम देखेंगे मूवी का टीजर और उसपे मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यूज मूवी और इस टीजर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम मूवी का टीजर और उसपे मेरा रिएक्शन। अम्मी जी, शादी करनी है जी मुझे। प्यार करा दो मेरा। Interesting. Very nice. Good. तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का टीजर और उससे मेरा रिएक्शन। हम बात करेंगे आपसे इसी मूवी के हवाले से। ये पाकिस्तानी उर्दू लैंग्वेज मूवी है और ये रोमांटिक और सोशल कॉमेडी मूवी है। और जैसे कि आपने टीजर देखा तो आपको आइडिया हो गया होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ वजाहत की गई है। टीजर होता मुख्तसर सा है, लेकिन अगर इसको गहराई के साथ देखा जाए तो काफ़ी हद तक मूवी की कहानी उसमें समझ आ जाती है। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छे तरीके से इसको पेश किया गया, जो कि देखा तो मुझे मज़ा आया इसको देखने के बाद। और ये जो मूवी है, ये रिलीज़ होगी ईद उल अज़्ज़ा पे, और इस मूवी को यानी कि बकरीद पर, ये कह लें आप आसान लफ्ज़ों में। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है नबील कुरैशी ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है फिज़ा अली मी रासना ने, और इसके अलावा जो है मेहदी अली ने, और इस मूवी को लिखा है नबील कुरैशी ने और उनके अलावा फिज़ा अली मीरज़ा ने। और इसमें जो लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं वो हैं फवाद मुस्तफ़ा, कयूम अंसारी और महविश हयात। और इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है फिल्म वाला पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय जियो फिल्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्लब। और हम बात करें आपसे इस मूवी के टीज़र के हवाले से। जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी कुछ इस टीज़र को देखने के बाद पता चल गया कि इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग पहलू और उतार चढ़ाव हैं। जैसे कि आपको रोमांस भी मिलेगा, कॉमेडी भी मिलेगी और एक सोशल किस्म का ड्रामा भी मिलेगा। जैसे कि टीज़र के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाए गए हैं, खुशी के पहलू, गम के पहलू। अगर आपने गौर से देखा तो एक मैयत भी उठ रही थी, यानी कि इसमें सैड सीन्स भी और हीरो रो रहा था। तो यानी कि काफ़ी उतार चढ़ाव इसके अंदर आपको मिलेंगे और इंटरेस्टिंग पहलू। ये नहीं कि एक स्केल पर सीधा चल रही होगी मूवी, जो कि एक तरह से सिंपल सी इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। जब आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और इसमें जो कास्ट जो है मूवी की, काफ़ी टैलेंटेड कास्ट है। जैसे कि फवाद मुस्तफ़ा की एक्टिंग जो है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसके अलावा काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छे एक्टर के अलावा। इन्होंने काफ़ी और काम भी किए हैं, जैसे होस्टिंग, एंकरिंग और इसके अलावा दीगर मतलब जो है काम वगैरह, ड्रामे वगैरह, इन सब में इन्होंने अपने आप को मनवाया और प्रूव किया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मल्टी टैलेंटेड शख्स हैं और ये वर्सेटाइल एक्टर भी हैं। इसके अलावा महविश हयात हैं, उनको तो बहुत लोग जानते हैं और उनको मतलब पसंद करते हैं इसी हवाले से कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और गुड लुकिंग है। इसके अलावा जो उनकी एक्टिंग होती है वो बहुत क्लास की और डिफरेंट किस्म की होती है, और जितनी मतलब तारीफ की जाए कम है। यानी कि हम ओवरऑल ये कहेंगे जो मूवी की कास्ट है वो एक मतलब टैलेंटेड कास्ट है, और जम के उन्होंने अदाकारी की होगी। और ये तो टीज़र था सिर्फ, कभी जब इसका ट्रेलर रिलीज़ होगा तो आपको काफ़ी हद तक और आइडिया हो जाएगा। लेकिन टीज़र भी काफ़ी हद तक बता रहा है मूवी की नुमाया खसूसियात को, कि ये मूवी बहुत ज़बरदस्त और एक अलग मैार की, उमदा मैार की होगी, क्योंकि जो उसकी कास्ट है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। और जो मूवी का टीज़र जिस हिसाब से दिखाया गया है तो वो काफ़ी हद तक बहुत कुछ वजाहत कर रहा है, जो कि अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा था। और इसमें पता चल रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया, और स्क्रीन प्ले तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। सिनेमाटोग्राफी, ओवरऑल जो लोकेशन और जिस हिसाब से मूवी को पेश किया गया है बहुत ही अलग और यूनिक तरीके से, जो कि आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। भी तो जब इसका ट्रेलर रिलीज़ होगा तो आपको काफ़ी कुछ इस हवाले से पता चलेगा। फिर आहिस्ते आहिस्ते सॉन्ग्स वगैरह
और फिर ये फिल्म की रिलीज की डेट ही आ जाएगी यानी कि बकरा ईद पर, तो आप बासानी इसको देख सकते हैं जाके। और बनिस्बत बाकी हम ये कहेंगे कि इसके अलावा जो है काफ़ी मेहनत और लगन के साथ बनाई गई है ये मूवी, क्योंकि जो जिस हिसाब से काम हुआ है पता चल रहा है कि काम बहुत बेहतरीन किस्म का काम हुआ है, जो कि टीज़र में वजाहत हो रही है इस चीज़ की। इसके अलावा जो है अब हम यही कहेंगे कि हमें मज़ा आया और अब हम इसी का इंतज़ार करेंगे जल्दी से इसका ट्रेलर रिलीज़ हो तो वो भी हम देखें, उस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन वीडियो बनाएं और कुछ ना कुछ बताएं। और जो कि अभी से मेरा वेट हो रहा है शिद्दत से इसी चीज़ का कि इसका जब ट्रेलर रिलीज़ होगा तब काफ़ी कुछ इस हवाले से पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल ये कहूँगा कि टीज़र को देखने के बाद काफ़ी हद तक बहुत कुछ पता चला कि जैसे कि बहुत ही मतलब जम के और जम जानदार और बिल्कुल जैसे कहते हैं टूट की एक्टिंग की गई होगी, जो कि परफॉर्मेंस से भरपूर है इस मूवी के अंदर, और टीज़र कमाल का था। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का टीज़र और उससे मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस टीज़र के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।